हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन वेरी इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ द केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए केमिस्ट्री का वीडियो लेके आए हैं। कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो नहीं मिल सका, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कंटेंट सेंड किया था, असाइनमेंट्स वगैरह मेमोस के लिए, वीडियोज़ और अदर मटीरियल, कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डैट विल बी द केमिकल काइनेटिक्स। तो उसके कंसर्न में आज मैं ये एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेंगे एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। चैनल की मेम्बरशिप ज्वाइन करिए, जो हमारे मेम्बर्स बने हैं दे आर गेटिंग द मोर बेनिफिट्स फ्रॉम आवर मेंबरशिप प्लेटफॉर्म। तो आने वाले समय में हम मेंबरशिप प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ के एंड टी इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% रिएक्शन। ठीक है जी, तो कैसे आपका टाइम और रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू आएगा? तो इसके लिए आपको जो रेट ला एक्सप्रेशन होता है हर एक ऑर्डर की इक्वेशन के लिए, वो पता होना चाहिए। और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की बात की है, तो इसकी इसमें जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें जो रिएक्शन है डैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डैट इज़ द एक्सप्रेशन बनता है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। सो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 के लॉग। तो 100 के हिसाब से लेना है अपने, 99% हो गया है, तो इसको माइनस कर देंगे, बन आ जाएगा, तो लॉग आ जाएगा ये 10 की पावर 2। 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 2 आगे आ जाता है लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई करके 4.606 बन जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ऐसे आएगा। सो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इसमें करेक्ट आपने ऑप्शन बताना है, रेट ला एक्सप्रेशन इसका बताना है। तो आपको पता है रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जैसे आपको पता है जो रिएक्टेंट है वो कम होता जाता है, प्रोडक्ट बनता जाता है। तो N2 सिंगल है, इसके आगे कोई नंबर नहीं आया, तो इसके ये आएगा -dN2/dt। और अमोनिया 2 बने हैं तो इसलिए 1/2 हो जाएगा dNH3। तो प्रोडक्ट की साइड प्लस आता है, रिएक्टेंट की साइड माइनस आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है डी जो है ये सही है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया NH3 को, जो गलत लगी क्योंकि 1/2 होगा। सेकंड में 1/2 से माइनस कर दिया, प्रोडक्ट की साइड माइनस नहीं लगता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 क्वेश्चन का डी सही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें रेट कांस्टेंट जो है वैल्यू दी हुई है। टाइम आपको चाहिए 40 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस करना है, कितना? 10 ग्राम। तो इसमें लॉग 2 की 10^2 की वैल्यू दी हुई है। तो ये आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो इसके लिए आपको अभी इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। सो इसमें आपका क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें आ जाएगा माइनस लॉग ए नॉट अपॉन ए टी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल। पहले आपकी 40 थी, बाद में आपकी 10 रहेगी, ये आपका इसको करके आ जाएगा 4। ठीक है, तो लॉग आपका 2 की पावर 2 के हिसाब से जो दूसरा फैक्टर दिया है वो नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से जो रेट कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 602 सेकेंड। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी 0 है और रेट कांस्टेंट 200 डिग्री पे दिया हुआ है और 400 डिग्री के ऊपर आपने निकालना है। इसमें गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू दी हुई है।
तो यहाँ भी रीनियस इक्वेशन लगती है। सो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको मैंने बताया उसकी एक्सप्लेनेशन। रीनियस इक्वेशन में क्या होता है, लॉग K2 / K1 EA 2.303 R T2 - T1 / D2 × D1 ये इक्वेशन है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो है तो आपका ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये जीरो है तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये जीरो हो जाएगा। तो K1 की वैल्यू आपको दी है, K2 की वैल्यू आपने निकाल देनी है, ठीक है जी। इस तरीके से आपका K2 का वैल्यू आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास जो आंसर बनता है डैट इज़ द बी, क्योंकि EA जीरो है तो उसका टेम्परेचर वाला एक्सप्रेशन सारा जीरो हो जाएगा, तो क्वेश्चन जीरो के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर अभी मूव करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल हाफ लाइफ पीरियड जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा। आपको पता है जो हाफ लाइफ पीरियड है टी हाफ आपने निकालनी हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, आप कैसे निकालते हो टी हाफ, डेट इज़ द हाफ लाइफ। इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज़ द ए नॉट अपॉन 2K। हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर एक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उतनी हाफ लाइफ उसकी आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसको डबल किया तो हाफ लाइफ इसकी डबल आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाता है बी डबल। हर इक्वेशन का जो हाफ लाइफ का फार्मूला है वो भी अलग आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो और रेट ला एक्सप्रेशन भी अलग अलग आता है जी, आपको पता ही है। 9 के ऊपर फोकस करिए, यहाँ आपने क्या देखा है डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस है PH3, इसकी डिकम्पोजिशन होती है टंगस्टन के ऊपर लो प्रेशर के ऊपर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेट है वो प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, जितनी सरफेस कवरेज के हिसाब से इसका रेट आता है 9 का ए। क्योंकि लो प्रेशर के ऊपर क्या होता है रेट प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज एज इज़ और द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हाई प्रेशर हो जाए तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है ड्यू टू द कंप्लीट कवरेज ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है जी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाई प्रेशर भी हो जाती है क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आप कैटालिस्ट ऐड करते हो, बायोलॉजी में उसको एंजाइम कहते हैं। तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे किस चीज़ को अल्टर करता है, डैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना रिएक्शन के लिए ये उसकी वैल्यू कम कर देता है, इसलिए कोलिजन जल्दी हो जाती है, ठीक है जी। बाकी चीज़ों को कुछ नहीं करता। तो 11 का आपका ऑप्शन जो है बी आएगा। 12 देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट रिएक्शन A to B, दिया वैल्यू इफ कंसंट्रेशन ए की 5 mL है तो कंसंट्रेशन बी की कितनी होगी आफ्टर द 20 मिनट। 20 मिनट के बाद जो बी आपका प्रोडक्ट बना है वो कितना बनेगा, ये आप इसको कैसे निकालोगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या करेंगे, बी की कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट को टाइम से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है जो रेट कांस्टेंट की बात करें, रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसके यूनिट क्या आ जाते हैं रेट कांस्टेंट के, डेट इज़ अ लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे बनता है, ठीक है जी। तो अभी हम बात करेंगे बी की वैल्यू की। बी की वैल्यू कंसंट्रेशन आपने जब निकालनी है तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास कितना है, 0.6 × 10⁻³। टाइम आपके पास कितना चाहिए, 20 मिनट। 20 मिनट है, आपने इसको सेकंड के हिसाब से निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया है पर सेकंड, आपको मैंने फार्मूला दिखा दिया सेकंड के हिसाब से आता है, यहाँ भी पर सेकंड दिया है तो मिनट के आप सेकंड बनाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा सी। तो 12 का आएगा सी, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी आपने कंसंट्रेशन निकालनी है कांस्टेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे। 14, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल की गई है तो इसकी हाफ लाइफ पीरियड अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हुई,
बट इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है अनचेंज रहा, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? डैट रिएक्शन विल बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि इसमें जो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने टी हाफ का फार्मूला अगर आपको याद हो तो आपका आता है 0.693 अपॉन के, ये फार्मूला आता है। यहाँ ए नोट की वैल्यू मिसिंग है इसलिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। आपको ये याद होना चाहिए, हर एक ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट ला एक्सप्रेशन है अलग आएगा, हाफ लाइफ पीरियड भी लगाएगा, बार बार बता रहा हूँ। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है फ्रैक्शन में भी आ जाता है, तो ये होल नंबर नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नोट ऑलवेज होल नंबर, ये आपका फ्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है। 1.5 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है। 22 में देखिए, रेट रिएक्शन का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने रिलेशन बताना है अलग अलग कांस्टेंट के हिसाब से। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें जो के कांस्टेंट है, के टू, के वन है, के डबल डैश है, तो ये क्या होता है इसमें आपका 22 में, अगर हम आपको बताएं, आपको पता है ये रिएक्शन कैसे हो रही है, N2O5 4NO+N2। यहाँ N2O5 के लिए ये जो है ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसके लिए आपके पास क्या आएगा, इसका कांस्टेंट, ठीक है। इसके साथ आपका 1/2 है, तो ये आ जाएगा -1/2 के, ठीक है जी, इसका कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद NO4 जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका आएगा 1/4 K1, ठीक है। दूसरा आपका क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल है, तो इसलिए ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू के डबल डैश, इस तरीके से बनता है। तो इसको अगर हम सॉल्वलाइज कर लें तो ये आपका फार्मूला यहाँ बन जाता है, के डैश इक्वल टू 2K, क्योंकि 2K इस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आपने के डबल डैश निकालना है तो K/2 आ जाएगा, K/2 के बराबर है, इक्वल आते हैं ना ये सारे, इस तरीके से आता है। तो 22 का आपका आ जाएगा बी। 23 में, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑलरेडी आ चुका है, आपको बता चुका हूँ, ये होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। आगे आ जाइए 24, हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इन सर्टेन एंजाइम कैटालिज रिएक्शन में, उसका आ गया 138 सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू फॉल 1.25 mg/L टू 0.04 mg/L, इतनी कंसंट्रेशन कम होने में कितना टाइम लगेगा, कैसे आप इसको निकालोगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 हम कैसे करेंगे, इसलिए आपको जो पता है फॉल ऑफ द कंसंट्रेशन कितना हुआ है, 1.28 से 0.04 हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 हाफ लाइफ की ज़रूरत पड़ेगी, 5, ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ, 5 टाइम ये कम हुआ है, हाफ हाफ करके 5 टाइम हुआ है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5, इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना है, 138 से मल्टीप्लाई करेंगे 690 आएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, एक बार 1.28 को 1/2 से डिवाइड कर देना, फिर जो आंसर आएगा, फिर 1/2 से, फिर 1/2 से, ये 5 टाइम करके 0.04 आता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 5 × 5 करके 25 आ जाता है ना, तो 25 से अगर हम इसको 0.04 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका इसके हिसाब से आंसर आ जाता है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 5 हाफ लाइफ लगेगी इसको। 27 में यहाँ एक रिएक्शन दी हुई है, तो वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट कैसे इंक्रीज होगी, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका जो रेट कांस्टेंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स टेम्परेचर। सो द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट जो है इंक्रीज़ की जा सकती है टेम्परेचर से, ठीक है जी। आगे आ जाइए 37, इसमें आपने जो रिलेशन बताना है
कौन सा सही बनता है उसके ऊपर आपने बात करनी है। ये फिर से क्वेश्चन वही आ गया, आपको पता है रिएक्टेंट की साइड माइनस लगेगा, प्रोडक्ट की साइड प्लस लगेगा। तो यहाँ देखें जो अमोनिया बन रहा है प्लस आ रहा है ये, ठीक है। इसका हाइड्रोजन के हिसाब से जब करेंगे तो अमोनिया का 2 जो है ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन का H नीचे आ जाएगा, तो ये सही बनता है इस हिसाब से। H का यहाँ 3 मिसिंग है इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ 2 अमोनिया का मिस है, तो इस वजह से जो ऑप्शन C करेक्ट बनता है, ठीक है जी। आ गया ये 38 रिएक्शन है, 2A+B इक्वल टू 3C+D। बिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रेट, कौन जो है रिएक्शन का रेट नहीं बताता यहाँ पे, ये आपका सी नहीं बताता, सी आपका रिएक्शन का रेट नहीं बताता, क्योंकि सी क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है जी। आपको बार बार बता रहा हूँ, अपने आंखें खोल के क्वेश्चन पढ़ना, इसमें आंखें खोलोगे जो मैंने आपको बात बोल के बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, आपको हेल्प करेगी। प्रोडक्ट वाली साइड कभी माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस लगा सी के साथ इसलिए ये गलत है। ए के पास माइनस आ जाता है ये सही है, बी के साथ आ सकता है ये भी सही है, डी के साथ प्लस आएगा ये भी सही है, इसलिए ये गलत है। 39 में द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज हो गया 4 times अगर कंसंट्रेशन डबल होगी, तो उसका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका क्या होना चाहिए उस हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू। तो इसमें आप 39 में क्या करोगे, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 39 की एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, रेट रिएक्शन का कैसे बनेगा। ए एंड बी दो चीज़ें हैं, ए का पावर आएगी अल्फ़ा, बी का बीटा आएगा। अल्फ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है, बीटा है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी आपका जो रिएक्शन में 2B के हिसाब से इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इसमें R1 / R2 कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपको 4 के हिसाब से आ रहा है 1/2 बीटा, तो बीटा -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन के हिसाब से ये नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन बनती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट, रेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, 0 order। आपको पता है 0 order रिएक्शन में आपका जो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट आती है। 44 में रिएक्शन A to B है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम लगा है 0.8 मोल ऑफ ए को 0.6 मॉलिक्यूल ऑफ बी में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटा, तो व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू 0.675 मोल ऑफ बी, तो कितना टाइम इसमें लगेगा 44 में। तो इसके लिए आपने क्या किया, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेम फ्रैक्शन ऑफ चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसलिए टाइम हमेशा कितना लगेगा, फर्स्ट 1 घंटा ही लगेगा, ये आपने याद कर लेना है। देखने में क्वेश्चन काफ़ी इन्होंने भयानक बना दिया, काफ़ी बड़ा बना दिया, बट इसका आंसर इसके क्वेश्चन में ही छिपा है। आगे आ जाइए 45 में, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैन बी लेस देन और मोर देन ऑफ ई, या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर आगे जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी तो रिएक्शन पीछे जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। 46 में रिएक्शन दिया 2A = B+C, ये 0 order रिएक्शन होगी कब, जब रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन, क्योंकि 0 order रिएक्शन में कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ये फैक्टर यहाँ पे लगेगा। 47 में देखिए यहाँ इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपका जो DyBdt है ये किसके हिसाब से आएगा, ये आपको बता चुका हूँ मैं, ए को क्या करेंगे, बी की जो है इसके साथ आ जाएगी, ए की नीचे आएगी -2/3 AdT, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट है ए, इसके साथ माइनस आना ज़रूरी है। 3/2 गलत है, क्योंकि जो उसका 3 है वो नीचे आएगा, 1/3 नहीं आएगा क्योंकि जो बी का 2 मिसिंग है, प्लस नहीं आएगा क्योंकि रिएक्टेंट के साथ हमेशा माइनस आता है। आगे आ जाए 48 बेने, बायोकेमिकल रिएक्शन कैरी डॉट इन लैब आउटसाइड ह्यूमन बॉडी
एंजाइम के बिना कोई रिएक्शन हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था क्या हुआ, 10^-6 टाइम आया, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिफरेंट फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन इन लैब, डिफरेंट आएगी क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए आपको मीडियम अफेक्ट करता है, लैब में मीडियम हो रहा है, बॉडी में हो रहा है, तो इसलिए 48 का आएगा सी। 49 में N2O5 से NO4 बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, रेट ऑफ कॉन्स्टेंट इसका दिया हुआ है दोनों का, तो कंसंट्रेशन क्या टाइम होगा इसका 49 में आपने बताना है। तो इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो रेट आपका N2O5 के हिसाब से आएगा, रेट अपॉन कॉन्स्टेंट के हिसाब से इसको डिवाइड कर देना, रेट आपका जो है वो दिया हुआ है रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट, रेट इसका दिया फॉर्मेशन का 1.02, कॉन्स्टेंट इसका 3.4, तो इनको दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देना है 3/4 से, तो आपका जो आंसर है 3 आएगा, क्योंकि ये आपकी रिएक्शन जो बात कर रहा है यहाँ पे 49 में, ये आपकी जो रिएक्शन है डैट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन के हिसाब से चलता है। 50 हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोइंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं एंजाइम और रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। 56 में FeCl3SnCl2 से 2FeCl2 बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3, दो मॉलिक्यूल FeCl3 के स्टेनस क्लोराइड का एक, इसलिए ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी। तो ये थे इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो कुछ फ़ैन की आवाज़ से डिस्टॉर्शन हो रही होगी, काफ़ी गर्मी है तो फ़ैन के बिना वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। आई होप आपको सारा ऑडिबल होगा ये। तो क्वेश्चन आपको सारे समझ आ चुके होंगे, इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें ख्याल रखनी है, रीनियस इक्वेशन और रेट ला एक्सप्रेशन के फार्मूले याद कर लेने हैं, हाफ लाइफ पीरियड फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन डिफरेंट फार्मूला आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही, चैनल के साथ बने रहिए, और लाइव सेशन 7 बजे आ रहा है हमारा यूट्यूब के ऊपर, उसको भी ज्वाइन करिए, और अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस लाइव तो आप वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए।